कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई, एच हाइट से फॉल कर रहा है, वेलोसिटी एच हाइट से फॉल करने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी रूट टू जी एच, कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी हो जाएगी ई टाइम्स ऑफ रूट टू जी एच, तो ये एच वन हाइट तक जाएगा, वापस एच वन हाइट तक नीचे आएगा, फिर जिस वेलोसिटी से गया है उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, वापस अगर स्ट्राइक करता है तो सेम वेलोसिटी क्या हो जाएगी ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट टू जी एच। तो ये एच वन हाइट गया, इसके बाद फिर एच टू हाइट, फिर कुछ लेस हाइट जाएगा, तो कंटिन्यूसली इसकी हाइट डिक्रीज करती जाएगी। तो अगर मैं फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इनिशियली एच हाइट फॉल करता है, इनिशियली एच हाइट, फिर नेक्स्ट एच वन हाइट, तो ये हो जाएगा एच वन गया और एच वन वापस आया तो टू एच वन, टू एच वन, फिर नेक्स्ट टू एच टू। अब टू जो है इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स वो गिरता रहेगा, फाइनली जाते जाते वो जीरो होगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें। तो एच मान लिया फर्स्ट टाइम के बाद वो हाइट कितनी हो जाएगी, जो भी स्पीड होगी इसको हम मान सकते हैं कि फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड हो गई यू वन, तो ई प्लस टू यू वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस टू, ये फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी है, ये सेकेंड कोलिजन के बाद वेलोसिटी है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ए टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर की वैल्यूज है हमारे पास, एच प्लस यू वन स्क्वायर वो है ई स्क्वायर इंटू टू जी एच डिवाइडेड बाई जी प्लस ई टू दी पावर फोर इंटू टू जी एच डिवाइडेड बाई जी, जी जी कैंसिल आउट होगा, ये टू एच कॉमन, तो टू एच कॉमन होगा तो यहां से हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर फोर अप टू इनफाइनाइट प्लस ई टू दी पावर सिक्स। तो इनफाइनाइट जीपी जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि हम कांस्टेंट नंबर से अगर बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कांस्टेंट नंबर को ऐड करेंगे तो वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये है इनिशियल टर्म अगर ए है तो यहाँ से मान लो ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जो कांस्टेंट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है कई बार यूज होगा जिनको जो नहीं है जिनका मैथ उनको बस ये फॉर्मूला याद रखना है ए बाई वन माइनस ये है वन माइनस आर। हम लोग 2h को कॉमन निकाले बिना भी हम लोग सेम ही आएगा सर, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा। 2h कॉमन नहीं निकालेंगे क्या सर, फिर भी सेम ही आंसर आएगा, मतलब इजी हो जाएगा। अब निकाल के जो जीपी ले रहे हैं विदाउट निकाले भी वही जीपी आ जाएगा। टू जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या सर, स्क्वायर ही होगा रेशियो, और फर्स्ट टर्म 2h स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, टू एच स्क्वायर जो है वो फर्स्ट है, हाँ ठीक। तो ये हो जाएगा एच प्लस ये टू एच इंटू ये हो जाएगा ए वन माइनस वन बाई आर, तो ये होगा ए है ई स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, कॉमन रेशियो जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो है ई स्क्वायर, तो वन माइनस ई स्क्वायर, तो ये जो है इसको एच आ जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एच वन प्लस ई स्क्वायर बाई वन माइनस ई स्क्वायर, ये होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यस सर। टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टाइम भी फाइंड किया है, टोटल टाइम नहीं, यस सर, नो सर, ठीक है। तो टोटल टाइम भी अगर इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल टाइम, हां सर टोटल टाइम भी ऐसे ही होता है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट जो भी वो फॉल कर रहा है वो है कैपिटल टी रूट टू एच बाई जी, पहला टाइम,
टोटल टाइम इज इक्वल टू रूट टू एच बाई जी, एच हाइट से फॉल करने का, उसके बाद फिर जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टू यू वन बाई जी प्लस टू यू टू बाई जी, अब तो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ से इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, टू एच बाई जी प्लस प्लस टू बाई जी एंड यू वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ फर्स्ट कोलिजन के बाद रूट टू जी एच प्लस टू बाई जी इंटू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट टू जी एच, तो ये रूट टू एच बाई जी कॉमन हो जाएगा, रूट टू एच बाई जी, ये रूट टू एच बाई जी होगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ से रूट टू एच बाई जी प्लस टू टाइम्स ऑफ रूट टू एच बाई जी, और ये e प्लस e स्क्वायर टू अप टू इनफाइनाइट, सेम यहाँ पे है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है और e e से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट टर्म होगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जो भी मान लो जिनका मैथ नहीं है तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशनल एक दो फॉर्मूला इनको लिख लेना है कि भाई अगर इस टाइप का जीपी सीरीज बनेगी तो उसका जो है हम ऐड कर लेंगे इनफाइनाइट टर्म्स को, अगर ये जो है ई की वैल्यू तो जनरली लेस देन वन होती है, जनरली जो है वो जीरो से लेकर वन के बीच में होगी, अगर ये ई की वैल्यू जो भी कॉमन रेशियो है अगर वो ग्रेटर देन वन है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग जीपी, तो उसमें इनफाइनाइट सम होंगे तो टर्म बड़ा ही होता जाएगा तो उसका सम इनफाइनाइट होगा, बट यहाँ पे वो कुछ फाइनाइट टर्म मिल जाएगा, इनफाइनाइट ए बाई वन माइनस आर, ए बाई वन माइनस आर, ये है फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन रेशियो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से ये होगा टू एच रूट टू एच बाई जी कॉमन, और ये वन प्लस टू फर्स्ट टर्म है ई बाई वन माइनस ई, तो ये टाइम भी वैसे ही आ जाएगा रूट टू एच बाई जी जो फर्स्ट का टाइम है इंटू वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई इज द टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये टाइम हो जाएगा और ये हाइट होगी। सेकेंड केस है अगर कोई भी मूविंग है, मूविंग है, मूविंग के केस में फाइंड करेंगे इसको, मूविंग के केस में ये वॉल है या कोई सरफेस है जो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये हैवी है, ये जो हैवी है, हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, हैवी ऑब्जेक्ट जो है ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये यहाँ से ये जा रहा है और पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है e, तो ये e इज इक्वल टू पार्टिकल की वेलोसिटी एज्यूम कर लिया अभी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कोलिजन के बाद ये हो जाएगा v2 - v1, तो मतलब पार्टिकल की जो स्पीड है v - 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो जाएगा 15, तो e की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, सो v 10 माइनस बी हाँ सर 5 ही आ रहा है, यहाँ 10 माइनस बी क्या बोल रहे हो, ये e की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो v माइनस 10 बाई 15, अप्रोच दोनों अपोजिट डायरेक्शन से 10 प्लस 5 15 और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोलिजन के बाद एक ही कोलिजन कंसीडर करना है, तो ये क्या रहा है, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस 10 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आफ्टर बाय बिफोर, सर वो v प्लस 10 होगा ना, क्योंकि पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है मुझे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है डिफरेंस लेते हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिवली 10 हो जाएगा, सर वो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, तो उस जगह पर वी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव होगा तो हमें रिलेटिव स्पीड लिखना है ना, रिलेटिव स्पीड तुम नेगेटिव ले लो, नेगेटिव ले लो तो ये भी तो 10 भी तो नेगेटिव,
यस सर 25 आ रहा है। ये भी नेगेटिव लोगे ना तब, अगर अगर इसको नेगेटिव लोगे तो इसको भी तो नेगेटिव लोगे, 10 भी नेगेटिव। हाँ सर, वो सर फिर उसके बाद माइनस ऑफ माइनस 10 आएगा तो फिर वो प्लस 10 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या बोलो, क्या लिखा है बताओ, ये v इज इक्वल टू ये आंसर है। हम बोलो सर, हम तो लिखे सर माइनस v प्लस ऑफ 10 बाय 5 by 5 yes sir 10 minus 5 मतलब u1 minus u2 u1 minus u2 sir u1 तो negative direction में है तो minus 10 minus 5 हो जाएगा। ये जो है अगर formula wise जाओगे तो हम क्या लिखते हैं, v2 minus v1 divided by u1 minus u2, u1 ये है, v2 ये है, v2 ये कोलाइड किया, v2 को तुम अगर ये माइनस लिख दोगे, माइनस v लिख दोगे, और ये जो है माइनस ऑफ माइनस 10 लिख दोगे, माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय ये u1, u1 है 5 माइनस, हाँ सर ठीक है, u2 वो साइन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था। रिलेटिव स्पीड लेना है ना, क्या लिख रहे हो, रिलेटिव स्पीड लेना है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे ई की वैल्यू माइनस थोड़ी होगी, तो बोला है रिलेटिव स्पीड अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो रिलेटिव स्पीड में कोलिजन के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, कोलिजन के बाद कोलाइड कर गए तो दोनों सेपरेट होने हैं, वेलोसिटी कम क्यों नहीं होगी, वेलोसिटी कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोबारा कोलिजन नहीं होगा, एक ही कोलिजन हुआ तो कोलाइडिंग पार्टिकल जो है अब जो आगे चल रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये वी माइनस 10 जो सेम डायरेक्शन में है, तो वी माइनस 10 डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, ये तो एक नंबर है 0 से 1 के बीच में, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, समझे? यस सर। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का मतलब हाई माइनस लो, कोलाइड करने के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी हाई, वी माइनस 10 डिवाइडेड बाय अप्रोच, अप्रोच जो है वो होगी 15, तो यहां से आ जाएगी 25, और इसके बाद 17.5 हाफ के लिए आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, तो वी माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15, तो 7.5 वी इज इक्वल टू 17.5 मीटर पर सेकंड। ये वाला ठीक आ रहा है किससे? तो ये ठीक आ रहा है तो वो भी तो वैसे ही आना चाहिए। और सर उस सेम के रो वाला सर 25 आ रहा है सर, थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा सर, अगर हम लोग बी को अगर पॉजिटिव लेंगे तो आंसर में तो नेगेटिव आ जाना चाहिए ना सर, डायरेक्शन तो ना, डायरेक्शन कैसे अपोजिट होगा, रिलेटिव स्पीड लिखना है वहां पे, तुम माइनस लिख लोगे तो ई की वैल्यू माइनस 1 थोड़ी हो जाएगी, उसके हिसाब से स्पीड की वैल्यू पुट करनी है ना, ई का नंबर ई थोड़ी की प्लस, अगर गलत हो रहा होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ई तो फिक्स वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, अब उसको नेगेटिव लिख दोगे तो गलत ही आएगा ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से इक्वेट करोगे, अगर यहाँ पे 10 माइनस वी या जो भी लिख रहे हो, अगर 10 माइनस वी या कुछ और लिख रहे हो तो ये तो नेगेटिव टर्म कर दे रहे हो ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही 1 है, तो ऐसे तो कभी होगा ही नहीं। क्या लिखा है तुमने वहां पे, क्या लिखा होगा, 10 लिखे, अरे v2 प्लस 10 लिखा तो v2 को भी तो माइनस लिखोगे, है? यस सर, वही सर गलती हो गया, यस सर उसी जगह पे गलती हो गया, तो ये रिलेटिव स्पीड वाले में यार यही गलती करोगे, रिलेटिव स्पीड को थोड़ा सा केयरफुल रहो, ई के लिए कोलिजन के बाद जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल आगे है उसकी स्पीड ज्यादा है, कोलिजन के बाद जो भी पार्टिकल है उसकी स्पीड ज्यादा है, रिलेटिव स्पीड लिखना है, उसमें गलती करोगे तो प्लस माइनस नहीं है। सर जो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन में वो v1 इज इक्वल टू e, वो e वाला समझ नहीं आया, बस वो वेलोसिटी वाला, क्या ये वाला सर v1 कैसे निकाल ले,
यहाँ जो से आ रहा है e into root of 2hg, root 2gh से स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस जीरो बाई अप्रोच रूट 2gh, तो ये क्या हो जाएगा e टाइम्स ऑफ रूट 2gh, ग्राउंड जो कोलाइडिंग सरफेस है उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रक है, ट्रक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ट्रक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कोई पर्सन क्या करता है, इसपे एक पार्टिकल थ्रो करता है ऑफ स्पीड 100 ग्राम, मास 100 ग्राम, 100 ग्राम का है और ये 1000 केजी का है, 100 ग्राम का पार्टिकल किसी ने पीछे से मार दिया इस पे और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इफ E इज इक्वल टू, ये इनलास्टिक कोलिजन है, इफ E इज इक्वल टू, कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2, E इज इक्वल टू 1 बाय 2, देन फाइंड velocity of particle after collision, collision के बाद particle की velocity क्या होगी, find the velocity of particle after collision, after collision and impulse, and impulse acted on truck, impulse acted on truck, truck के ऊपर कितना impulsive force act किया? Next है, if duration of collision is 1 millisecond, if duration of collision is 1 millisecond, then find force acted on truck, किस स्टोन को किसी ने ट्रक के ऊपर फेंका, 100 ग्राम का स्टोन है और वो 1 millisecond तक कांटेक्ट में रहा ट्रक के, उसके बाद सेपरेट हो गया, इफ फॉर दिस कोलिजन E इज इक्वल टू 1 by 2, देन फाइंड then find the velocity of particle after collision, impulse acted on the truck and the duration of collision, agar 1 millisecond le liya hai, 1 millisecond, then find the average force, what is the amount of force acted on the truck. Ab kabhi bhi collision hoga, do particle agar takra rahe hain to hamare dimag mein conservation of momentum aayega, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आना चाहिए कि भाई कोलिजन हो रहा है अगर, तो उनके वेलोसिटी जो है आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर वेलोसिटीज फाइंड करने के लिए हम कोलिजन सोचेंगे, कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब अप्लाई करेंगे तो वही m1u1 is equal to m2u2, बट अब ये केस क्या है, ये वो केस है जिसमें कि एक पार्टिकल बहुत ही हैवी है, एक पार्टिकल जो हैवी है 100 ग्राम के पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है 1000 केजी से, तो हैवी पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी कोलिजन में चेंज नहीं होगी, हैवी पार्टिकल की जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी रहेगी, तो अब ऐसा थोड़ी है कि 100 ग्राम के ट्रक से मार देंगे तो ट्रक जो है वो गिर जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो ऐसे केस में उसकी वेलोसिटी जो है सेम रहेगी और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है कि तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इंपल्स एक्टेड ऑन ट्रक, इंपल्स एक्टेड ऑन ट्रक, तो अगर कभी कोई सोचोगे, अभी नहीं बाद में अगर सोचोगे उस चीज को, तो तुम्हें ये भाई जब इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और जब हम मोमेंटम में चेंज ही नहीं मान रहे हैं, जब ट्रक की वेलोसिटी सेम मान रहे हैं तब तो मोमेंटम में चेंज ही नहीं होगा,
तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो तुम आंसर बता दोगे इंपल्स एक्टेड ऑन ट्रक इज जीरो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट कर रहा है, वो टकरा रहा है, कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट कर ही रहा है। तो ऐसे केस में हम उस साइड से इंपल्स कैलकुलेट करते हैं जिस साइड मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मतलब हम ट्रक का जो इंपल्स है सेम इंपल्स पार्टिकल के ऊपर भी एक्ट किया होगा, तो पार्टिकल के साइड से इंपल्स कैलकुलेट करेंगे और ट्रक का आंसर बताएंगे। तो कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तुम्हें मान लेनी है कि कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी आई है वो है डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ये वेलोसिटी है ऐसे भी, वेलोसिटी भी है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 1/2, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/2। सेपरेशन बाय अप्रोच, सेपरेशन रिलेटिव स्पीड, तो ये 20 से जा रहा है ट्रक, 10 से जा रहा है, सेपरेशन हो रहा है B+10 से। बाई अप्रोच, अप्रोच कितनी हो जाएगी, अप्रोच हो जाएगी 20 से आ रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से 10/2 इज इक्वल टू V+10, तो जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी -5, V इज इक्वल टू माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड का मतलब जो पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल जो है वो उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है कोलिजन के बाद भी। कोलिजन के बाद सेम डायरेक्शन में ये कंटिन्यूड है, तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो वेलोसिटी पहले 20 थी, अभी जस्ट कोलिजन के बाद ऐसे मारा, वही डायरेक्शन कोलाइड किया और वही डायरेक्शन कंटिन्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करने से आ गया आंसर। अब इसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई इंपल्स बताओ ट्रक के ऊपर, लेकिन जब ट्रक पे सोचेंगे तो ट्रक की वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट मानी 10 मीटर पर सेकेंड, वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो हमेशा अगर हेवियर साइड पे, हेवियर ऑब्जेक्ट पे हमें इंपल्स पूछा जा रहा है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे लाइटर वाले साइड से जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इससे अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है J1, तो यहाँ पे भी क्या एक्ट करेगा, J1 एक्ट। ये जो इंपल्स है, जो J1 है, कौन सा फोर्स होगा, ये कुछ नॉर्मल फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा होगा, दो पार्टिकल्स दो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में आएंगे तो कुछ नॉर्मल फोर्स होगा, तो वही नॉर्मल फोर्स का इंपल्स है J1 एंड J2, J1 एंड J1 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो हम J1 कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल वाले साइड से। तो पार्टिकल पे हम अप्लाई कर देंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो यहाँ से मैंने जूम किया है J1, यहाँ से जो है इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, फाइनल है, कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से लिख लोगे, ये इनिशियल है और फाइनल है, और इसका मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब है 0.1 kg। तो फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम IMT से आ जाएगा इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू -J1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम इज 0.1 इनटू वेलोसिटी है 5 m इनटू v माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0.1 इनटू 2 20, दोनों मोमेंटम प्लस है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा 1.5, J1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2, ये हो जाएगा -1.5, तो J1 जो आएगा हो जाएगा प्लस 1.5, माइनस कैंसिल होगा, तो 1.5 न्यूटन सेकेंड। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो हमारी है वो बिल्कुल सही है और मैग्नीट्यूड आ गया इसका 1.5 न्यूटन सेकेंड इंपल्स। तो सेम इंपल्स एक्ट किया है ट्रक पे, डायरेक्शन उसकी होगी राइट साइड, तो दिस इज द इंपल्स एक्टेड ऑन ट्रक, सेम इंपल्स, दिस इंपल्स इसमें लिख लोगे, रिवाइज करोगे अगर कभी जिंदगी में, दिस इंपल्स एक्टेड ऑन ट्रक, ट्रक के ऊपर एक्ट किया है। तो इसमें ट्रिक ये है कि हैवी है तो पहला पॉइंट है कि हैवी है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा है कि हैवियर पे इंपल्स लाइटर की तरफ। क्या क्या सर,
वेलोसिटी जो है सर वो माइनस फाइव लेंगे। अरे तो माइनस फाइव का मतलब ये डायरेक्शन इधर लिया था ना मैंने कोलाइड करने के बाद, कोलाइड करने के बाद ये लिया कोलाइड करके पार्टिकल से, तो माइनस फाइव आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने उधर दिखा दिया। सर वेलोसिटी का माइनस फाइव के बाद एक और बार बता देंगे सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। वेलोसिटी के बाद माइनस फाइव के बाद फिर मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन को यहाँ पे डिनोट कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया माइनस को से रिवर्स कर दिया इधर, और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 20 और 5, ठीक है। फिर उसके बाद इंपल्स दिखा दिया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर दिया फ्रॉम आईएमटी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में वहां पे वेलोसिटी माइनस 5 लेना नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी ये दिखा दिया ना फाइनल वेलोसिटी। अब तो यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे वो होगा, यस वो डायरेक्शन अगर मान लो उधर आई होती मोमेंटम नेगेटिव में होता फिर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते तो प्लस माइनस देखते। सर कोलाइजन के बाद सेम डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकता, जिस तरफ जा रहा है उसी से कैसे, मतलब कैसे पता नहीं यार। ये द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज 1 मिलीसेकंड, फाइंड द फोर्स एक्टेड ऑन द ट्रक। तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो बताया था, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फोर्स, तो इंपल्स इज इक्वल टू एफ डी टी या जो भी है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगा तो एन इंटू डी टी जो होगा। तो अगर हम एवरेज फोर्स मानते हैं एन जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो भी है एन, इसको लिख सकते हैं एन एवरेज, एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जे। तो J इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन सेकंड, ये है 1.5 न्यूटन सेकंड, ये है हमारा एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा T है, टाइम ड्यूरेशन 1 मिलीसेकंड, 10^-3। अगर इसको फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा एवरेज फोर्स 1.5 इनटू 10^3 न्यूटन, कि एवरेज रिएक्शन फोर्स या फोर्स जो है ये 1500 न्यूटन एक्ट किया है, इतना लार्ज है अगर कोलिजन जितना शॉर्ट है उसके वजह से। सिर्फ सेकंड पार्ट ही समझ में नहीं आया था। कौन सा? तो वो हाँ सही ये वाला। पार्टिकल के ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई किया, पार्टिकल के ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स जो भी पार्टिकल पे ऊपर एक्ट कर रहा है J1, फिर जो है अप्लाई कर दिया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो वो क्या होगा इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स J1 एक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस J1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ से सॉल्व कर लिया J1 इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन सेकेंड। तो सेम इम्पल्स जो है वो ट्रक के ऊपर भी एक्ट कर रहा है राइट साइड में। इसमें 5 को आपने माइनस 5 नहीं लिया? नहीं माइनस फाइव आया तो डायरेक्शन रिवर्स कर दिया ना, माइनस फाइव स्टार्टिंग में जो लिया है ये माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा कि कोलाइड करने के बाद पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वेलोसिटी आ गई माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फाइव का मतलब है कि ये पार्टिकल कोलिजन के बाद उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। इंपल्स फाइंड करने के बाद जो है एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी ये लिख दिया, ठीक है समझे तीनों पार्ट। यस सर, एवरेज फोर्स, इंपल्स, वेलोसिटी, ये तीनों थे, और हैवी मास के मोमेंटम 3-4 पॉइंट हैं इसमें। जनरल जो कोलिजन है जिसमें वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई के इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेंगे जो स्टार्टिंग में लिखा था। अब अगर जो है इस टाइप के कोलिजन हो रहे हैं जिसमें पूछा गया है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। (clears throat)
नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन कब होगा? ऑब्लिक कोलिजन होगा व्हेन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट, ये दोनों जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब इस टाइप का कुछ कोलिजन होगा ऐसे कि जो भी लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है कॉमन नॉर्मल, जो सरफेसेस हैं उनके जो कॉमन नॉर्मल होगा, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो हो जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट इज कॉमन नॉर्मल। तो हमें क्या करना है, हमेशा कोलाइडिंग सरफेसेस के कॉमन नॉर्मल को देखना होगा, ये हो जाएगा कॉमन नॉर्मल। और लाइन ऑफ मोशन क्या है, लाइन ऑफ मोशन तो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों है। अब इसमें मान लो कि एक जो है, एक एग्जांपल ले लिया यहाँ से कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, यहाँ से कोई पार्टिकल रेस्ट में है, सिर्फ एग्जांपल ले लिया जनरल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये पार्टिकल रेस्ट में है और एक दो सर्कुलर डिस्क हैं, ये दोनों दो सर्कुलर डिस्क हैं और ये दोनों सर्कुलर डिस्क हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है और इनके कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है ई। तो अब ये मान लो ये इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है, इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है, ई की वैल्यू भी ले लेते हैं, ई की वैल्यू 1/2, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 1/2 और इसकी जो स्पीड है, दोनों आइडेंटिकल डिस्क है, आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क, तो दोनों के मास और रेडियस सेम है। इसका जो है मास और ये रेडियस और इसका ये डिस्क है, डिस्क जो लोग नींद में है उनको याद रहे, ये डिस्क है, ये डिस्क है एम और आर। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। तो ये पार्टिकल को जो है इनिशियल स्पीड ऐसे जो है प्रोजेक्ट कर दिया गया, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली वो आ रहा है, आया इसे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि इफ कोलिजन का जो कोफिशिएंट है वो इज इक्वल टू 1/2 है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन, फाइंड स्पीड ऑफ सेकेंड वाले डिस्क का कितना है, तो फिर वेलोसिटी रेस्ट में, फाइंड स्पीड ऑफ ईच डिस्क आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज हमें फाइंड करनी है। इनिशियली ये डिस्क जो है यहां से इस लाइन के लॉन्ग ऐसे मूव करते करते आ रहा था और ये जो है कोलाइड किया और इनकी जो सेपरेशन है, इनके गैप को भी लेना पड़ेगा ऐसे कुछ, ठीक है, आर आर लेंगे तो ये पोजीशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, जो डिस्क है डिस्क की लोकेशन यहां से दोनों के जो ये लाइन है, एक मिनट वो नहीं होगा तो जो सेकेंड डिस्क है उसका सेंटर इस लाइन से किसी डिस्टेंस पे ये ऐसे है, मान लेते हैं कि ये ऐसे है, ये लाइन इसके टेंजेंट है, ये जो है टेंजेंट है, मतलब ये जो गैप है वो आर के बराबर है, ये आर के बराबर है, ठीक है। पहला डिस्क जो है वो रेस्ट में है, फर्स्ट की जो वेलोसिटी 0 है और दूसरे की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इस तरीके से आ रहे हैं और दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है।
तो ये जो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कई बार हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्ड भी दिया होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट या इंपैक्ट पैरामीटर, इसका जो है वो इंपैक्ट पैरामीटर दिया होता है। सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगी बिटवीन द सेंटर्स उसको कई बार दिया रहता है कि इंपैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू आर। तो इंपैक्ट पैरामीटर मतलब यहाँ पे ये है आर की वैल्यू है। तो इसमें हमें कोलिजन के बाद की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या क्या है, लाइट करेंगे तो भाई फोर्स तो एक्ट करेंगे ही, फोर्स एक्ट करेगा तो इलास्टिक टाइप का कोलिजन यहां भी हो सकता है। हमने कोलिजन लिया है इन इलास्टिक, तो यहां पे ये दो डिस्क हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 है। अब जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे वो फोर्सेस किसके अलोंग एक्ट करेंगे, अलोंग कॉमन नॉर्मल। सर्कुलर है तो सर्कुलर का जो कॉमन नॉर्मल है वो सेंटर से पास हुआ, ये जो है सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी 2r, ये हो जाएगी 2r। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन लिया है, ये लाइन इसको जो है r डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये सेंटर्स की थोड़ा सा डायग्राम है, ये सेंटर्स की डिस्टेंस है r, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा r। यार है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऐसे लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखो। r है और ये 2r है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल में हम अब इससे एंगल निकालेंगे, एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा ले लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में लिखेंगे, ये O1 है, ये O2 है और ये जो लाइन है वो A है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो R बाय 2, R बाय 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब अगर हम देखेंगे इसको दोनों डिस्क में, तो जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो ऐसे ही एक्ट कर रहे होंगे, इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे एक्ट कर रहा होगा और इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे एक्ट कर रहा होगा। तो अगर अब सिर्फ इसको